अशरफ भाई, कुरान हाँ की बात पे अमल कर लो। अल्लाह कहता ठीक। है मैं नहीं, इल्लल्लाह, वो बोल रहे, या वो फिर बोलने, मैं गुस्सा नहीं हो रहा बिल्कुल नहीं। वो बोले नौकर थे, गुस्सा नौकर नहीं, नहीं थे थोड़ा सब्र उनको करो। ब्रेक नहीं फेल क्यों सुनना कर है, रहे हो? सुनो, सुनना नहीं अरे चाह रहे मैं हो। सुनेंगे, मैं तो चाहता हूं कि आपसे बात हो, अच्छे से बात हो पहले, लेकिन थोड़ा सब्र का मादा तो पैदा करो अपने अंदर। मैं आपको ये, सवाल का अरे तो रुकोगे थोड़ा? हाँ आपका बोलो तारुफ तो जान ले, आप क्या कोई आलिम है, बोलो। हाफिज है, क्या है आप? मैं हाँ, स्कूल से जुड़ा हुआ स्टूडेंट क्या है हूँ, स्कूल से जुड़ा हुआ स्टूडेंट हूँ। मतलब, इस्लामिक स्कूल या क्या? नहीं, इस्लामिक स्कूल भी पढ़ा हूँ, लेकिन ये कि हाँ, मैं समझता हूँ कि हर जो कोई मुसलमान है, किसी का नाम मुसलमान है, तो उसको इतना इल्म होना चाहिए कि अपने इस्लाम का दिफा कर अरे सके। यार अशरफ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भाई, इतना इल्म है, मैं आप उसका अपना दिफा कर सकता तारुफ, हूँ। साहिल वेस्ट अशरफ ऑफ भाई टाइम है, नहीं छोड़ तो उससे बात ले ले, कोई नहीं है, कोई स्कॉलर नहीं नहीं है देखो आदमी है, देखो जब कोई आदमी स्कॉलर नहीं किसी है। से बात करो उससे भागना नहीं चाहिए, बात करना अरे चाहिए, भागना नहीं भाई चाहिए। ओए रिलैक्स, ओए ठीक है चल, ऐसा करते हैं भाई, देखें आपसे चूंकि इज्जत से बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मैं नहीं ऐसा प्यार से हम भी बात कर रहे हैं आपसे। यार एक सेकंड सब्र करें, मैं ऐसा करता हूँ आपके लिए एक टाइमर लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता लग गया कि आपसे हम इज्जत से बात नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मेरा टेम्परामेंट खराब हो जाएगा जिस तरीके से आप बोलते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपसे बदतमीजी हो, आप अच्छे भाई हैं, तो टाइमर लगा देते हैं। ये आपको टॉप राइट कॉर्नर में एक टाइमर नजर आएगा अभी, ठीक है, ये टाइमर जितनी देर तक जीरो नहीं होता आप बोल लें, और जब जीरो हो जाए चुप कर जाइएगा, ठीक है, चले। ठीक, अभी आप बोलिए। नहीं, मैंने आपको ये टाइमर दिया, मैं आपको दोबारा देता हूँ 60 सेकंड, नहीं आप पूरा ये एक्सप्लेन कर दें कि मोहम्मद कैसे नौकर नहीं था। दोबारा से जीरो कर रहा हूँ आपका टाइमर, और जब तक ये जीरो नहीं होगा आप बोल सकते हैं, ये ले। मैं कह रहा हूं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौकर नहीं थे। उसकी वजह यह है कि एक मौका पर हजरत खदीजा ने, एक मौका पर उनका माले गनीमत जो था वो मतलब मुल्के शाम लेके जाना था, तो उसका मतलब क्या बताती, जब आदमी कोई सामान भेजता है तो उसका एक अमीर बना देता है, उसका मतलब उसके जिम्मे कर देता है, तो सामान अल्लाह के नबी के जिम्मे था, उनके मुताबिक भी नौकर थे, यानी उनके नीचे भी नौकर थे जो मतलब उस सामान की देखभाल रेख कर रहे थे। बस अल्लाह के नबी उस सामान के, हम बता दूं कि कह सकते हैं आप इंग्लिश जुबान मुझे उतना आती नहीं, मैनेजर थे, यानी वो बता रहे थे सामान के यहाँ लेके जाना, वहां मतलब उसके देखभाल करने वाले थे, उनके नीचे नौकर थे जो काम को ले जाने वाले थे, वो नौकर नहीं थे, वो उनके नौकर नहीं थे, उनको मतलब एक मौके पर सिर्फ वो सामान की मतलब देखभाल करके उसको कहाँ तक पहुंचाना लेके जाना, ये था। आप ये बोलो कि मुस्तकिल नौकर दिए नहीं थे, आपकी मतलब जो नॉलेज है कम है, चले आप गुस्सा ना हो। चले, दोबारा से अब मैं बोलता हूँ, मैं टाइमर को रीसेट कर रहा हूँ। देखिए भाई, वो मैनेजर हो या नॉन मैनेजर हो, रहेंगे नौकर। नहीं बोलना नहीं तूने, दोबारा से जीरो कर रहा हूँ मैं अपना टाइमर। ओके, वो मैनेजर हो या वो बड़ा वाला नौकर हो या छोटे वाला नौकर हो, वो रहेगा नौकर ही। मेरे घर में, मेरे महल में 8 मुलाजिम काम करते हैं, और मेरे जो किचन है उसके अंदर 4 जो है वो खाना पकाने वाले काम करते हैं। उन खाना पकाने वालों के ऊपर एक बड़ा खाना पकाने वाला है, शेफ उसे कहते हैं। और मेरे घर की और लॉन की सफाई करने के लिए और क्लीनिंग करने के लिए 6 मुलाजम और हैं, और उन 6 के 6 मुलाजम को किस जगह पे, किस मुलाजम को किस टाइम पे किसने लगाना है, उसके लिए एक बड़ा मुलाजिम है मेरे पास जो कि उन सबको संभालता है। तो ये जो दोनों बड़े मुलाजिम है, जो मैनेजर है, एक किचन का मैनेजर और एक घर की संभालने वाले का मैनेजर, और फिर मेरे जो गार्ड्स हैं उनका एक मैनेजर है, 8 गार्ड्स हैं, उन सारे गार्ड्स का एक बड़ा वाला मैनेजर है, ये सब के सब मेरे नौकर हैं, और जो 3 मेजर लोग हैं ये मेरे बड़े वाले नौकर हैं, और उनके अंदर छोटे वाले नौकर हैं। सो मोहम्मद खतीजा का नौकर था, जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते आप गलत कर रहे हैं। थैंक यू, टाइम आपका शुरू हुआ। ठीक, आपका जवाब सही है। तो इसका मतलब क्या कि हर नौकर, हर गुलाम मतलब सादिक और अमीन होता है, और नौकर और गुलाम से अगर जो आगे निकल गया उसके अंदर सादिक और अमीन की जो सिफत वो खत्म हो जाती है, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं नहीं है मैंने कि ऐसा नहीं कहा, मतलब नौकर और तभी ऐसा हो मैंने नहीं मतलब कहा, आप सादिक फेक और आर्गुमेंट दे रहे हैं। सुने, मैं आपकी बात इसलिए काट रहा हूँ कि आप गलत आर्गुमेंट में जा रहे हैं। मैंने ये आर्गुमेंट दिया ही नहीं, तो व्हाई आर यू प्रेजेंटिंग दिस आर्गुमेंट? आपने आर्गुमेंट वो कहा प्रेजेंट कर जो मैंने दिया। मैंने कहा है कि मोहम्मद सादिक अमीन था, तभी तो उसे नौकर रखा खदीजा ने। तो अगर आप मान गए कि नौकर था, तो हम आगे चले। अच्छा, एक मिनट देखो, जी एक मिनट, इस्लाम में बहुत जबानात ऐसी होती हैं। सुनो, आप पहले दो जबान जो दुनिया में बोली जाती है, दो जबान होती है, एक लुगवी जबान होती है, एक इस्तलाही जबान होती है। इस्तलाही जबान में बाज अल्फाज जो है लुगवी जबान के माना के इस्तलाही जबान निकलते हैं, तो इस्तलाही जबान बुरी होती है, लेकिन उस लुगवी जबान से ही निकलती है, लुगवी जबान से इस्तलाही जबान को समझा जाता है।
लेकिन जो है इस्तलाही जबान, चूंकि नौकर जो इस्तलाही जबान है, इंसान के जहन की एक सोच है कि नौकर जो है भद्दा लफ्ज है, यानी कि बुरा लफ्ज है, और गुलाम जो है ये भी बुरा लफ्ज है, एक इस्तलाह की बात कर रहा हूँ। और मैनेजर जो है, अब इन इंग्लिश में बोल दो, मेरे मैनेजर तो बहुत बड़ा आदमी, ऐसे बोलेंगे, मतलब इसको भद्दा नहीं समझते, इसको मतलब अच्छा समझते हैं। तो इस्तलाही जबान जो होती है, नौकर को जो इस्तलाह है, ये इस्तेमाल करना ऐसी जगहों पर मेरे ख्याल से कि मतलब बेहतर नहीं है। और जहां तक अगर जो मतलब लेके अच्छा, जा रहे हैं सामान तो उनको अब बात यह है कि आप उसे मैनेजर को, मैंने आपको मना किया कि उसे मैनेजर को, मैंने तो नहीं मना किया, आपसे मैनेजर को, उसे मैनेजर को, फटीचर को हो, कबीजर को हो, कपाकर, दुनिया की जो भी सलाह आपने यूज करनी है आप करो, आई डोंट केयर। मेरे मुताबिक मैनेजर भी जो होता है, मैनेजर नहीं होता, क्या स्टुपिडिटी है, मेरी जुबान की सत्यानाश कर रहे हो। मैनेजर जो होता है, चाहे वो मैनेजर हो जाए, चाहे वो डायरेक्टर हो जाए, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो जाए, चाहे वीपी हो जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए, नो मैटर व्हाट, इट डजंट मैटर, एट द एंड ऑफ द डे वो सर्वेंट है, और इसीलिए इसको सर्वेंट क्लास कहा जाता है। सो ही इज फ्रॉम द सर्वेंट क्लास, ठीक है, दैट्स इट। मोहम्मद वाज अ नौकर, नौकर ऑफ खतीजा, खतीजा उसको पैसे देती थी, ये ले पकड़ काम करने के, तेरी मजदूरी के पैसे, फुल स्टॉप। हजरत बोलिए बाबू, इतना प्यारा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, तो सोचता हूँ अगर जो तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाता फिर हम लोग दो दो घंटे गुफ्तगू करते तो मजा आता। मुझे एक सेकंड मतलब एक मिनट के अंदर क्या जवाब आपसे बात करूँ, तुमको एक मिनट में जवाब मैं क्या दू तुमको, तो एक मिनट में बोलता हूँ, जितने लोग आते जो साहिल जो चैनल चला रहे ना, इसको तुमको गाली देना चाहिए। ये साहिल जो चैनल चला रहा बैठ के ना, साहिल मुझे गाली दे ले यार, साहिल साहिल मुझे गाली दे ले यार, साहिल पहले गाली दे ले, इसको तसल्ली हो जाए, सुकून आ जाए, साहिल गाली दे यार मुझे, साहिल गाली दे यार, इसको सुकून आए जरा थोड़ा सा। चल मैं अपने एडम साहब, आप बड़े ही एडम साहब आप बड़े ही वो है, हां डैश 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 तारिक तारिक तारिक, आपका वो जो है बहुत वो है, ओके, और आप जो दूसरे की वो में वो करते हैं वो भी बड़ा वो है, ओके बेहतरीन। तो आपने सेंसर करके गाली दी है ताकि लेडीज जो है उनको फील ना हो, क्योंकि लेडीज भी हमारे चैनल में बैठी हुई है। तो भाई आपको सुकून आ गया अशरफ भाई, अच्छा नहीं मैं बोल रहा हूं, तुम सुनते कहां हो यार, तुम सुनते नहीं हो भाई, अभी इतना तो सुना है भाई, तुम सुनते नहीं हो ना, बात दोबारा देता हूँ, दोबारा और सुनो, मैं कह रहा हूँ, हाँ मैं कह रहा हूँ सुनो, कोई आप जो दो चार बात सुनकर दो चार पेज पढ़कर कुछ नहीं जान पाओगे, ये कोई नॉलेज नहीं बाबू, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ समझना पड़ता है, बहुत बड़ा बड़ा सुनना पड़ता है बाबू, सुनो बाबू सुनो, जब अपने इसकी बात, हाँ सुनो, कितना पढ़ा आपने, मैंने 22 साल की जिन उम्र है 22 साल मुकम्मल पढ़ा हूँ, मैं सर 7,500 साल का हो चुका हूँ, और मैंने 7,500 साल पढ़ाई की है, तुमने मट्टी मंगवा के मुझे अपने हाथों से बनाया, फिर रूह फूंकी, तो मेरा नाम है हजरत आदम अलैहि सलातो व सलाम, 7,500 साल मैंने पढ़ाई की है, तो मुझे बताइए कि आपकी पढ़ाई ज्यादा होगी या मेरी पढ़ाई ज्यादा होगी, तुम्हारी बात कोई मुदल्ला नहीं कि जिसपे मतलब कोई इतराज हो आदमी मान ले, एतराजी बात है, कैसे तुम 7,500 साल रहे हो, ये कोई मुदल्लल बात है, इसकी कोई इस्तदलाल कोई दलील है, बिल्कुल मुदल्लल बात है, हाँ तुम तो पैदा आपके आपके मोहम्मद ने जब कहा कि हजरत आदम अलैहि सलातो व सलाम की, सुने दो सेकंड मैं बोल रहा हूँ कि तुम बोलो, चलो 2 सेकंड पूरे हो गए, तुमने 2 सेकंड मांगे थे, अच्छा हजरत आदम को आपके नबी ने जब बोला कि उसकी उम्र 990 साल थी, ठीक है, उसके ऊपर तो आप एतराज नहीं उठाते, मैंने बोला कि हजरत आदम अलैहि सलातो व सलाम की उम्र 7,500 साल है, इस पे आप एतराज क्यों उठा रहे हैं, क्या आपने कभी मोहम्मद से पूछा कि या मोहम्मद हजरत आदम की उम्र 990 साल कैसे हो सकती है, जी हजरत अशरफ, आदम की बख्शी तो मोहम्मद के नाम पे हुई है, अरे ये कम समझ है, अच्छा आपकी बैक साइड के ऊपर जो आपका स्कॉलर या आपका जो बड़ा साथी है उसको फ्रंट पे माइक पे ले, मैं उससे बात, ये मेरा साथी नहीं है, तुम कम समझ, बताऊं क्यों कम समझ हो, तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहते हो, जब तुम दुनिया में आए वो लम्हा तुम्हें याद है तुम कैसे चीखे थे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चीखा, कैसे चीखे थे आवाज निकाल कर बताओ,
नहीं सर आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, मैं पहले अम्मी बोले थे पहले अब्बू बोले थे पहले बताओ। नहीं हजरत ना, क्योंकि ना मेरी पहले अम्मी बोले थे पहले अब्बू बोले थे तू। जी सर जवाब दे रहा हूँ आपको, सुनेंगे? हाँ बोलो जी। ना मैं अम्मी बोला था ना मैं अब्बू बोला था, क्योंकि मुझे अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया था, तो लिहाजा मेरे पास अम्मी अब्बू नहीं थे। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज, हमने इंसान को पैदा किया ये नापाक मतलब मनी के कतरे से। अरे कुरान में जब अल्लाह ने कहा कि मैंने तो अपने हाथों से बनाया पैया तैया, हां तो दलील कुरान, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो आयत पढ़ो। अल्लाह कहता है कि मैंने अपने हाथ से बनाया पैया तैया। अरे तो पढ़ो कहां अल्लाह कहता है बाबू, कहां कहता है, कौन सी आयत है, पढ़ के तो बताओ। अच्छा ये आपको नहीं पता क्या, आपको कुरान हिफ्ज नहीं है? नहीं नहीं है, मैंने बताया इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज। अच्छा तुम हो जिसको अल्लाह ने गंदगी से पैदा किया, तुम्हारे बाप के लुत्फे से पैदा किया टपकते हुए। नुत्फा गंदा होता है तो कोई बात थोड़ी बोल पाएगा यार, सुनो दो चार मिनट। अच्छा ये आपके सामने एक आयत लेके आता हूँ, लेट्स सी कि आप इसको पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं। रट्टा तो आपने बहुत लगाया हुआ है, ये देखें पढ़े सर क्या लिखा है। काला या जब तक आयत आ जाती एडम, जब तक आयत आ जाती इन्होंने कहा गंदे पढ़ो तर्जुमा करो, तुम मुझे मत पढ़ाओ, तुम पढ़ो तर्जुमा करो। अशरफ भाई थोड़ा रुको ना यार, क्यों ऐसा तुम लोग करते हो? मौका जब दे रहे तुमको पूरा बात करने का मौका देंगे, थोड़ा रुक रुक के करो। आपने एक बात कही कि जो नुतफा है वो टपकता है, भाई हम सब का नुतफा तो पिचकारी मारता है, ये तुम देखो तब तब तुम्हारा मुंह में मारता, तुम्हारा सही नहीं है, तब इलाज कराओ, इलाज कराओ तुम। सही सालिम नहीं बाबू, तुम ना मर दो तुम। हाँ टपकता है क्या, पिचकारी मारता है तुम्हारा नुतफा? ए बाबू सुनो, बारिश जब होती है ना तो बारिश टपकती भी है, बारिश बहती भी है, तुम बेवकूफ हो। जब बारिश सुनो, सुनो बाबू, अरे सुनो यार, सुनो पहले बोलो फिर तुम्हारे तुम समझ नहीं पाए, बंदोबस्त कराता हूँ। तुम बाबू समझ नहीं पाए बता रहे हो, तुम वही बोल रहा हूँ, तुम लोग बेवकूफ, जितने लोग बैठे हो सब बेवकूफ हो। ये आयत का तर्जुमा पढ़ के सुनाओ, कौन पढ़ के सुनाएगा? आयत मत दिखाओ, आयत पढ़ो तर्जुमा सुनाओ। काला या इब्लीस, इब्लीस ने कहा ठीक है। अरे अच्छे से पढ़ो यार, अच्छे से आयत पढ़ो, तुम पढ़ो, अरे तुम पढ़ो, तुम आइडियो की चालू कर रहे हो। قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ جی جناب، تو اللہ نے کہا او ابلیس تمہیں کس چیز نے روکا اس کو سجدہ کرنے سے، کس کو؟ میرے کو، حضرت آدم علیہ السلام کو، کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، کیا تم متکبر ہو گئے ہو؟ اللہ نے مجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، رائٹ؟ اللہ نے، تم کو یقین ہے؟ تم کو یقین ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہے؟ ہاں ہاں مجھے یقین ہے اللہ کے دو ہاتھ ہیں، یقین ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، اس کی شکل، اس کا آکار کیا ہے بتا سکتے ہو؟ جی سر ایلین کی طرح دیکھتا ہے، ایلین کی طرح، اور تم سور کی طرح دیکھتے ہو، کیونکہ اللہ نے کہا ہے قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، تم جہوا، اللہ نے فرمایا، اس کو نہیں پڑھے ہو تم؟ اوکے بالکل پڑھا ہوں، بالکل پڑھا ہوں، نہیں پڑھے ہو، سور تم خود نہیں جانتے ہو، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر جانتے ہو تم؟ ہاں میں بالکل جانتا ہوں، تو سور پڑھو، اس کا ترجمہ کرو، میں بالکل کر دیتا ہوں، ٹینشن نہ لیں، غصہ نہ کریں، ریلیکس ہو جائیں، تھری سٹرائکس ہو گئی، آپ کی چوتھی سٹرائک پہ میں پہلے زبان عزیز نکالنا بابو، ورنہ گالی نہ دینا، آدھے دو گھنٹے گالی دے سکتا ہوں، تم کو بتا دے رہا ہوں، چوتھی سٹرائک پہ آپ کے نبی کو گالی جائے گی، ایک منٹ ایڈم، ایک منٹ، اشرف بھائی تم نے تین بار جو ہے سور 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 کہہ دیا، سور نہیں، اس نے پہلے ایلین کلرز کیوں استعمال کیا؟ سن لو پہلے بات، آپ نے ابھی تین بار سور سور کیا ہے، میں ایک چیز، آپ چونکہ نئے ہیں میں بتا دیتا ہوں، آپ کے پہلے والے نے بھی یہی غلطی کیا تھا، آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ رسول اللہ کی گستاخی کی وجہ نہیں بننا چاہتے تو پلیز اس طریقے کی حرکت نہ کرے، کیونکہ ایڈم صاحب کا یہ حساب ہے کیا آپ اس پہ پرسنل اٹیک کرو گے، وہ آپ کے رسول اللہ کے بارے میں بولے گا، تو آپ سے میں ہاتھ جوڑ کے بھائی، یہ دیکھو ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ سب لفظ مت استعمال کرو،
अगर आप वाकई में डिस्कशन चाहते हो तो प्लीज अच्छे से बात करो, मैं अभी आपको ले रहा हूं। हाँ एडम अपनी बात रखो। जी सर, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे इस आयत की। सो आपने कहा कि अल्लाह का आकार है, मैंने आपको कहा बिल्कुल है, क्योंकि अल्लाह का चेहरा भी है, वजह है, अल्लाह की आंखें भी हैं, कुरान के अंदर आता है, अल्लाह के हाथ भी हैं। अल्लाह यहाँ पे खुद अपने क्लेम करता है कि मैंने अपने यदैया दो हाथों से, तीन से नहीं, एक से नहीं, चार से नहीं, दो हाथों से बनाया। अल्लाह के शिन का भी लफ्ज लिखा हुआ है कि अल्लाह जन्नत में जब आप लोग जाओगे तो अल्लाह अपना पौंचा ऊपर कर लेगा, पेंट हटा लेगा, कमीज हटा लेगा, कपड़ा हटा लेगा, जो भी आप कहना चाहो, ट्रांसलेशन करना चाहो, और अल्लाह पिंडली दिखाएगा अपनी साख, जो लोग जन्नत में हैं, और फिर लोग अल्लाह की साख, उसकी टांग को देख के, उसकी पिंडली को देख के सजदा रेज हो जाएंगे। कुरान के अंदर डिफरेंट जगहों के ऊपर अल्लाह का आहकार दिखाया हुआ। जब आपने कहा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद, यहाँ पे अल्लाह के आहकार के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, देयर इज नथिंग इन इट, कुछ नहीं है इस सूरत के अंदर अल्लाह के आकार के बारे में। तो लिहाजा आप जिस सूरत में जा रहे हैं, इट हैज नथिंग टू डू विद कि अल्लाह दिखता कैसा है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आपके पास सही मुस्लिम की हदीस है जिसमें मोहम्मद ने अपने अल्लाह को एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग की तौर पर देखा, और उसने मोहम्मद के सीने के ऊपर हाथ रखा और मोहम्मद के टिट्स ठंडे हो गए। मैं नहीं बोल रहा, हदीस के लफ्ज बोल रहे हैं, उसकी ट्रांसलेशन है, निप्पल्स लिखा हुआ है, निप्पल्स ठंडे हो गए जब अल्लाह ने एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग की शक्ल में, एक परफेक्ट इंसान की शक्ल में आए और उसके सीने के ऊपर हाथ रखा तो मोहम्मद के निप्पल्स ठंडे हो गए। तो भाईजान ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो आप मुझे ये मत बताइए कि अल्लाह कैसा दिखता है, अल्लाह एलियन क्यों दिखता है, व्हाट इज एलियन। एलियन आपको सिर्फ मूवी में देखे वाले एलियन है। एलियन एक ऐसी चीज होती है जो कि एक एक्रोनम है। एलियन इज एन एक्रोनम। एक्रोनम वो चीज होती है जो कि एक कंप्लीट लफ्ज नहीं होता। तो लिहाजा इसमें ए का मतलब कुछ है, एल का मतलब कुछ है, आई का मतलब कुछ है, ई का मतलब कुछ है, और एन का मतलब कुछ है। एडोलेसेंट लिविंग इन एटर्नल न्यूनेस, दैट्स आल्सो एलियन। ठीक है, सो एलियन इज नॉट अ वर्ड इन इटसेल्फ, ये एक एक्रोनम है। तो मैंने ना तो कोई गाली दी ना कुछ छोड़ दिया, क्योंकि कुरान कहता है कि तुम्हें नहीं मालूम कि वो कैसा दिखता है, वो तुम्हारी समझ से बाहर दिखता है। लेकिन अगर मैं अल्लाह के आकार को देखूं कुरान के मुताबिक और अपनी समझ से बाहर सोचने की कोशिश करूं तो ही इज एन एलियन इन ट्रू सेंस। ये रियलिटी है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैंने प्रॉपर डिक्शनरी वर्ड बोला है आपके सवाल के जवाब में। जी भाई जान बोलिए। अरे किधर गए? अच्छा आपने हमजा को ऐड कर दिया, हमजा से तो बात ही नहीं हो रही थी, अशरफ से बात हो रही थी। हमजा को नीचे करें, अशरफ को लाएं। जी अशरफ। हेलो। जी अशरफ। हेलो। जी साहब। हेलो। हाँ जी, जा रही आवाज? हाँ जी। हाँ मैं कह रहा हूँ कि क्या आपको अल्लाह के आकार पर यकीन है? हाँ जी। कैसे यकीन? मतलब ये कुरान की आयत को आप दलील बना रहे हैं? एक नहीं, मल्टीपल आयतें हैं सर। आपने मतलब दलील इसको बनाया है? कुरान को दलील बनाया मैंने। कुरान को आपने दलील बना दिया अल्लाह के हाथ होंगे, लेकिन क्या उस वक्त जब अल्लाह तबारक व ताला दीदार कराएगा जन्नतियों का अपना, तो उस वक्त अल्लाह के क्या अपने आकार में होगा कि अल्लाह का नूर आएगा? सर अल्लाह अपने आकार के अंदर होगा, क्योंकि अल्लाह ने अपनी टांग के ऊपर से पर्दा हटाना। टांग के ऊपर से? यहाँ टांग के ऊपर क्या है, कौन सी जरा दिखाओ। अगर मैं आपको दिखा दूंगा अभी, मेरी बात मान लेंगे ना, फिर उसके बाद जलेबी तो नहीं बनाएंगे? दिखाओ ना। अरे दिखाओ ना भाई, कैसे यार? एक सेकंड, मैं एक बात तो कर लेना। हाँ दिखाओ। अगर मैं आपको अल्लाह की टांग दिखा दूं तो क्या आप उसके बाद जलेबी तो नहीं बनाएंगे? क्योंकि अभी हैंड्स में तो आपने जलेबी बना दी, क्या वहां पे भी जलेबी तो नहीं बनाएंगे? देखो देखो, लिमा खलक्तु बियदैया। अब बियदैया से आप, मैं आपको मतलब एक वजाहत, एक मतलब मिसाल दे दे रहा हूं। सर ये देखें, माय हैंड्स, दोनों हाथ, ये देखें, आपके सारे स्कॉलर्स इसको लिखते हैं दोनों हाथों से बनाया, दो हाथ है यहाँ पे, एक हाथ नहीं है। तो लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह की ताकत है। मुझे बताइए जो साक है ये क्या है? ये तर्जुमा दिखाओ, तर्जुमा ऊपर करो। जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी, इन्हें पुकारा जाएगा। हाँ जी, साक पिंडली तो क्या होगा?
اللہ پنڈلی سے اپنا پردہ ہٹایا رہا ہے۔ پنڈلی سے مراد کیا؟ ارے پنڈلی سے مراد میرے لال، پنڈلی سے مراد مراد ہے، پنڈلی سے مراد ہے ہاتھ، نہیں میرے لال، پنڈلی سے مراد پردہ، پردہ، ارے پردہ میرے لال، ہاں ارے 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 اپنا پردہ کھول دے گا، یکشفو یکشفو، یہ پردہ ہے، یہ پردہ ہے، یہ کھولنا ہے میرے لال، کھولنا ہے، یہ یکشفو کھولنا ہے میرے لال، ارے میرے لال، اشرف اشرف لال، میں یکشفو کھولنا ہے میرے بچے، محمد اشرف آپ سیدھے طریقے سے بات نہیں کر سکتے بھائی، لال بول رہا ہوں میرے بھائی، لال بول رہا ہوں، لال کتنا اچھا لفظ ہے، میں آپ کو سینا بولوں گا تو چلے گا، محمد میرا کالا ہے، ایک منٹ ایڈم، ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ، اچھا بھائی میں آپ کو پیلا بولوں گا تو چلے گا، بولو یار مجھے بہت اچھا لگے گا، ہاں تو تم کو مجھے گالی دو تو مجھے اچھا لگے گا، مجھے اچھا لگے گا، تم کو گالی دو تمہارے رسول کو گالی دیں گے تو اچھا لگے گا، نہیں مجھے گالی دو چلے گا، میرا سوال ہے اگر رسول کو گالی دے تو اچھا لگے گا، گالی رسول گالی دے گا میں اس کو چھوڑوں گا، اچھا لگے گا کیا، چھوڑنے کی بات تو بعد میں آئے گی نا، میں نے اس کے رام بابا کو نہیں گالی دیا ہے نا، میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، میں بول رہا ہوں کہ جب میں اس کے، جب میں سنو اشرف بھائی، اشرف بھائی اشرف بھائی ایک منٹ سنو، میں صرف سیدھا سوال کر رہا ہوں، اگر رسول اللہ کو گالی دیا جائے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں، تو مہربانی کر کے پھر سے ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں، اچھے سے بات کرو، لال کالا بابو یہ سب چھوڑ دو، اچھے سے نہیں مجھے بول سکتا ہوں پھر سے، نہیں تم کو نہیں بولے گا، وہ سب سے بڑا پرابلم ایڈم کا یہ ہے، سن لو اشرف، تم نے ایڈم کو کیوں بیٹھایا پھر، جب وہ رسول اللہ کو گالی دیا پھر کیوں بیٹھائے ہو، تم کیوں وجہ بن رہے ہو، تم اچھے سے بات نہیں کر سکتے، وجہ کیا، میں بالکل اچھے سے بات کرتا ہوں، اس کی دلیل کوئی دلیل ہے ہی نہیں، کوئی دلیل ہی نہیں ہے، دلیل پہ بات کرو، اس کو کاؤنٹر کرو کہ تیری دلیل جو ہے، وہ جو بات کرتا ہے، جو دلیل دیتا ہے، مطلب اس کی دلیل، اچھا بھائی میری بات سنو، اگر دلیل غلط دی جا رہی ہے تو اس دلیل پہ آپ بات کرو، اس کو کاؤنٹر کرو، اس کو ثابت کرو کہ تیری دلیل جو ہے، تیرا آرگیومنٹ اس وجہ سے غلط ہے، یہ پرسنل چیزیں لال کالا پیلا یہ سب مت کرو، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے، ورنہ ڈسکشن چھوڑو، چلے جاؤ، وہ چل جائے گا۔